सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बुरे हाल हैं। यहां एक नवजात के शव को ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मजबूर होकर पिता मोटरसाइकिल की डिक्की में शव लेकर मदद के लिए कलेक्टर के पास जनसुनवाई में जा पहुंचा। कलेक्टर ने उन्हें मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। वहीं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने दावों की पोल खोल कर रख दी है। सिंगरौली जिले को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां बड़ी संख्या में औद्योगिक संस्थान हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, वहां से आई ये मजबूर पिता की तस्वीरें पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली हैं। प्रशासन में बैठे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में किस तरह की बदहाल व्यवस्था है, इसकी एक तस्वीर यहाँ आज देखने को मिली। दरअसल दिनेश भारती अपनी पत्नी मीना भारती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां दिनेश की पत्नी के मृत बच्चे की डिलीवरी कराई गई और परिजनों ने जब बच्चे को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की तो एम्बुलेंस नहीं होना बताया गया, जिसके बाद मजबूर पिता ने बच्चे का शव अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखा और कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंच गया। पिता ने बताया कि उससे 5,000 रुपए की भी मांग की गई थी। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। उनके रूम पे गए तो वहाँ पे पर्ची कटवाना पड़ा 200 रुपए का। उसके बाद डॉक्टर को दिखाए तो सरिता मैडम देखी तो उनका जो आदमी है वो बोला कि ठीक है आप पैसा जमा कर दीजिए। हम बोले कितना, बोल रहे कि 5,000। हम बोले कि कहाँ का, बोल रहे कि नहीं पैसा लगता है। तो हमारे पास उसमें 3,000 रुपये था। हाँ, उनका जो आदमी था वो मांगा, वो नहीं मांगा। तो बोले कि पैसा 5,000 चाहिए। हम बोले कि 3,000 हमारे पास ले जी। तो बोला कि नहीं 3,000 नहीं, पूरा पैसा 5,000 चाहिए। व्यवस्था लिया के दिया तो मैडम बोली कि हम शाम को आएंगे फिर उनको देखेंगे पेपर में। तो शाम को आए भी नहीं, दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा की तो बाद में पता लगा कि बच्चे यह मामला अपने संज्ञान में लाया है, विषय गंभीर है। इसकी जो यहाँ जो हमारा शासकीय अमला है उसको देश की बात करवाते हैं, जब तथ्य प्रमाणित पाए जाएंगे तो मार्गदर्शन कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।